क्या कोई ऐसा एसी है जिसे चलाने से इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा ना आए? कोई ऐसा एसी जो रूम को चिल भी करे और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम हो? और कोई ऐसा एसी जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के बजट में भी हो? इन सभी सवालों का जवाब है हाँ, ऐसे कई एसीज हैं, पर उनमें से बेस्ट कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 विंडो एसीज बजट कैटेगरी में। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैं बजट एसीज को कवर करूंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीमियम विंडो एसीज के बारे में बताऊंगा। एज ऑलवेज मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे व्यूअर्स ही मेरी ताकत हैं और मैं किसी ब्रांड के स्पॉन्सर्ड कंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं हूं और ना ही मुझे कोई फ्री रिव्यू यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने रिव्यूज के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोलने के बजाय अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलना ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अप टू 130 स्क्वायर फीट के रूम के लिए आपको 1 टन का विंडो एसी चाहिए। 130 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट के रूम के लिए आपको 1.5 टन का विंडो एसी चाहिए और 200 स्क्वायर फीट से लेके 300 स्क्वायर फीट के रूम के लिए आपको 2 टन का विंडो एसी चाहिए। एक अच्छे एसी का काम होता है कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके अच्छी कूलिंग देना। स्मार्ट फीचर्स के ऊपर एक्स्ट्रा 4 से 5,000 रुपीज खर्च ना करें। जो काम आपके एसी की मोबाइल ऐप करेगी वही एसी का रिमोट कंट्रोल भी करेगा। इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो यानी ISEER रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार रेटिंग से भी ज्यादा। इसे चेक करे बिना एसी को ना खरीदें। जितनी ज्यादा ये रेटिंग होगी उतना ही एनर्जी एफिशिएंट आपका एसी होगा। कॉपर कॉइल सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि उनका हीट ट्रांसफर रेट सबसे अच्छा होता है। आप कोई भी एसी लें तो उसकी कॉइल्स को जरूर चेक करें, वो कॉपर होंगी तो आपका एसी लॉन्ग रन तक अच्छा काम करेगा। अपने एसी से 30% तक की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए साल में 2 बार उसकी सर्विस कराएं, वीक में 1 बार उसका फिल्टर क्लीन करें और ड्राई एरियाज के लिए मैक्सिमम उसको 26 डिग्रीज पे चलाएं, ह्यूमिड एरियाज के लिए मैक्सिमम 23 डिग्रीज पे। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है वोल्टास का नॉन इन्वर्टर एसी। इसकी कैपेसिटी है 1.37 टन्स, लेकिन इसे कहा जाता है 1.5 टन एसी। रोटरी कंप्रेसर पे चलने वाला ये एसी 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल्स के साथ आता है। इसमें आपको एक डीह्यूमिडिफायर भी मिलेगा और नैनो सिल्वर फिल्टर भी मिलेगा। इस 3-स्टार एसी के अंदर आपको आईसी रेटिंग मिलती है 2.9 की और इसका नॉइस लेवल है 54 डेसिबल्स। इसके अंदर आपको बहुत ही शानदार 700 क्यूबिक मीटर्स पर आवर का एयर फ्लो रेट भी मिलता है। इस एसी के अंदर आपको 5 इयर्स की वारंटी मिलती है कंप्रेसर पे और 1 ईयर की ओवरऑल एसी पे। इस एसी की इंस्टॉलेशन फ्री है और इसमें आपको 2 सर्विसेज मिलेंगी फ्री इन अ ईयर। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है ब्लू स्टार का नॉन इन्वर्टर एसी। इसकी कैपेसिटी है 1.44 टन्स, लेकिन इसे कहा जाता है 1.5 टन एसी। इस 3-स्टार रोटरी कंप्रेसर एसी के अंदर आपको कॉपर के कॉइल्स और कंडेंसर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको डीह्यूमिडिफायर नहीं मिलता और आपको मिलता है एक नॉर्मल एयर फिल्टर। इस ब्लू स्टार एसी की आईसी रेटिंग है 2.91 और नॉइज लेवल है 50 डेसिबल्स और एक रिस्पेक्टेबल 450 क्यूबिक मीटर्स पर आवर का एयर फ्लो रेट। इस ब्लू स्टार एसी के अंदर आपको 5 ईयर वारंटी मिलती है कंप्रेसर पे और 1 ईयर ओवरऑल एसी पे। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 500 रुपीज और इसमें आपको 2 सर्विसेज मिलती हैं फ्री इन अ ईयर। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है लॉयड का नॉन इन्वर्टर एसी। इसकी कैपेसिटी है 1.4 टन्स, लेकिन इसे कहा जाता है 1.5 टन एसी। इस 3-स्टार रोटरी कंप्रेसर एसी के अंदर आपको 100% कॉपर का कंडेंसर तो मिलता है, लेकिन कॉइल्स 100% कॉपर की नहीं है। इसके अंदर आपको डीह्यूमिडिफायर नहीं मिलेगा और एक नॉर्मल एयर फिल्टर मिलता है। इस एसी की आईसी रेटिंग है 3.38 और नॉइस लेवल है 53 डेसिबल्स और एक रिस्पेक्टेबल 440 क्यूबिक मीटर्स पर आवर का एयर फ्लो रेट। लॉयड 5 इयर्स की वारंटी देता है कंप्रेसर पे और 1 ईयर की ओवरऑल एसी पे।
इस एसी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 700 रुपीज और आपको 2 सर्विसेज फ्री मिलती हैं एक साल में। मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है गोदरेज का नॉन इन्वर्टर विंडो एसी। इसकी कैपेसिटी है 1.44 टन्स, लेकिन इसे कहा जाता है 1.5 टन एसी। इस 3-स्टार रोटरी कंप्रेसर एसी के अंदर आपको 100% कॉपर का कंडेंसर और उसकी कनेक्टिंग पाइप मिलेगी, लेकिन कॉइल नहीं। इसके अंदर आपको डीह्यूमिडिफायर नहीं मिलता और आपको मिलता है एक नॉर्मल एयर फिल्टर। इस एसी की आईसी रेटिंग है 3.08, इसके नॉइस लेवल्स हैं 56 डेसिबल्स और एक बहुत अच्छी 470 क्यूबिक मीटर पर आवर का एयर फ्लो रेट। गोदरेज 5 ईयर की वारंटी देता है कंप्रेसर पे और 1 ईयर की ओवरऑल एसी पे। इस एसी की इंस्टॉलेशन है 1200 रुपीज, जो मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपको 2 सर्विसेज फ्री मिलेंगी एक साल में। मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है हिताची का नॉन इन्वर्टर एसी। इसकी कैपेसिटी है 1.46 टन्स, जिसे कहा जाता है 1.5 टन एसी। इस 3-स्टार रोटरी कंप्रेसर एसी के अंदर आपको 100% कॉपर की ट्यूब्स और पाइप्स तो मिलेंगी, लेकिन कंडेंसर कॉपर का नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको डीह्यूमिडिफायर नहीं मिलता और मिलता है एक नॉर्मल एयर फिल्टर। इस एसी की हाईएस्ट कैपेसिटी होने के बाद भी इसकी आईसी रेटिंग है 3.09 और इसके नॉइज लेवल्स हैं 50 डेसिबल्स, विच इज इंप्रेसिव। और इसके अंदर आपको एयर फ्लो रेट मिलता है 450 क्यूबिक मीटर्स पर आवर का। हिताची 5 ईयर की वारंटी देता है कंप्रेसर पे और 1 ईयर की ओवरऑल एसी पे। इस एसी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 700 रुपीज और इसमें आपको 2 सर्विसेज फ्री मिलती हैं एक साल में। क्योंकि इस समय एसीज पे सेल लगी है, मेरे लिखे हुए प्राइसेस से भी कम में आपको ये एसीज मिल सकते हैं इस समय। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे प्राइसेस को कंपेयर करने के बाद ही इन एसीज में से कोई खरीदें। कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या हैं आपके थॉट्स, ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और आप अपने लिए इनमें से कौन सा एसी लेना पसंद करेंगे, ये भी जरूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा भी और उनके जवाब भी दूंगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊं। और मैं आपको बहुत जल्दी फिर मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।